हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिशियन विक्रम में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर से आप सिंगल फेज सप्लाई कैसे यूज़ कर सकते हैं, या थ्री फेज ट्रांसफार्मर से जो सिंगल फेज सप्लाई है वो कैसे चला सकते हैं लोड को। थ्री फेज नहीं होके भी आप सिंगल फेज यूज़ कर सकते हो थ्री फेज ट्रांसफार्मर से, तो वो आप थ्री फेज ट्रांसफार्मर से कैसे निकाल सकते हो या सिंगल फेज कैसे चला सकते हो, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे जो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा कर चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो घंटी है उसको भी दबा दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमारे पास में ये थ्री फेज का ट्रांसफार्मर है। ये देखिए, ये थ्री फेज का ट्रांसफार्मर है, ये 440 वोल्ट देता है हमें। तो हमने क्या कर रखा है, इसको सिंगल फेज पे चला रखा है। भी ये देख सकते हैं आप, ये हमारे थ्री फेज नहीं चल रही है, सिंगल फेज चल रही है। ये देख सकते हैं आप, दो वायर लगा रखे, एक न्यूट्रल और एक फेज। तो आपको क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना है आपको, बस सिर्फ इसमें एक चीज चेक करनी है कि आपको जो चार बुशिंग दिख रही है उसमें से ये पता लगाना है कि न्यूट्रल कौन सा है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये तीन ये इधर के तीन फेज हो गई और ये न्यूट्रल है। अधिकतर हाँ, यही न्यूट्रल होता है इसका। तो आपको न्यूट्रल चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे कि आपको जो ग्राउंडिंग की होगी, जो अर्थ की होगी, ये देखिए हमारे यहाँ पे ये अर्थिंग रोड डाल रखी है। तो आपको क्या करना है, इस बुशिंग के वहाँ पर जो टेस्ट लैंप लेना है एक, और वहाँ पे बुशिंग के लगा के और फिर इस ग्राउंड के लगाना है। तो आपको जैसे यहाँ जैसे फर्स्ट वाला फेज आप वहाँ लगाओगे और इसके लगाओगे तो आपका लैंप जलेगा, इसको लगाओगे सेकंड वाले को लगा के फिर आप इसको अर्थिंग को टच करोगे तो भी लैंप जलेगा, फिर थर्ड वाले फेज को लगा के और इसके चेक करोगे तो भी आपका लैंप जलेगा। फिर आपको क्या करना है, इस जहाँ पे जिस पे आपको लैंप नहीं लगता है, जहाँ पे आपका बल्ब नहीं जलता है, वो आपका न्यूट्रल होगा। तो आपको क्या करना है, एक तो फेज लेना है और एक न्यूट्रल लेना है। और ये देखिए हमारे, जैसे कि ये हमारा एक इस साइड का फेज है और इस साइड का न्यूट्रल है, तो हमने ये इस तरफ फेज जोड़ रखा है, इस तरफ न्यूट्रल जोड़ रखा है। इस तरह आप न्यूट्रल का भी पता लगा लोगे और आपको सिंगल फेज सप्लाई भी मिल जाएगी। आपको सिंगल फेज सप्लाई आप तीन फेज चला सकते हो इसमें से। ये देखिए, जैसे कि थ्री फेज में तीन जो होते हैं, तीन फेज आते हैं और एक न्यूट्रल होता है, तो हमने अभी सिंगल फेज चला रखी है। तो ये देखिए हमारा ये सिंगल फेज का ये जोड़ रखा है और ये यहाँ पे, ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा सिंगल फेज मीटर है। ये इस तरह से आप आसानी से सिंगल थ्री फेज को सिंगल फेज में कन्वर्ट कर सकते हो और सिंगल फेज को आराम से चला सकते हो, यानी कि 440 वोल्ट से आप 230 वोल्ट में आराम से चला सकते हो। और इसमें आपको फुल वोल्टेज मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपका वोल्टेज डाउन होगा, बल्कि आपको 230 से ऊपर वोल्टेज ही मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।